प्याज को हम हर सब्जी में यूज़ करते हैं, ग्रेवी के लिए यूज़ करते हैं और गार्निश के लिए, सलाद के लिए, क्यों ना इसको हम अपने घर में ही उगाएं छोटे छोटे पॉट्स में, ताकि हम इसकी जो लीव्स हैं, ताज़ी ताज़ी लीव्स लें और उनको हम गार्निश के लिए और खाने के तौर पे यूज़ कर दें और चटनी बनाने के लिए। तो आज मैं आपको, ये वेस्ट पॉलीथीन का बैग है, इसमें मैं आपको ये लहसुन और प्याज ग्रो करना बताऊंगी। और इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये है कलौंजी के बीज, जिसे हम प्याज के बीज बोलते हैं, इसको बीज को ग्रो कर दें और आप छोटे छोटे पोट तैयार कर, ये सॉरी प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद आप वहाँ से उखाड़ कर उसको आप किसी भी पोट में या वेस्ट पोली बैग में आप लगा लें, या आपके पास अगर ये इस तरह से छोटे छोटे प्याज बच जाते हैं आपके यूज़ में आने लायक नहीं होते, क्योंकि हम बड़े प्याज यूज़ कर लेते हैं और छोटा प्याज रह जाता है, तो उसको आप ग्रो करेंगे तो इसके रिजल्ट मैंने बहुत अच्छे दे। वेस्ट पोली बैग है, इसको मैं कटिंग करके और इसकी सोयल कैसे हम भरते हैं और कैसा इसको पानी यूज़ करेंगे, उसको मैं ये लहसुन और प्याज आपको उगाना बताऊँगी। उससे पहले हम इस पोली बैग में सुराख कर लेते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको उगा सकें। और अब मैं आपको इसकी सोयल के बारे में बताती हूँ कि हम इसको कैसी सॉफ्ट सोयल दे सकते हैं, ताकि जो इसकी प्याज की है, हमारी रूट्स ही होती हैं, रूट्स ही बनती हैं, तो उनको ज़्यादा फैलने का टाइम मिले। तो हमने इसमें लिया गार्डन सोयल 50% के करीब, और 25% मैंने गोबर खाद लिए, बिल्कुल जो डीकम्पोस्ट हो चुकी है, आप देख रहे हैं बिल्कुल डीकम्पोस्ट खाद है। और इसमें मैंने कोयला, एग शेल, एग के टुकड़े, और मैं थोड़ा सा पोट बनाते हुए ये मस्टर्ड केक का टुकड़ा भी डाल दूंगी। और उसके बाद हम जो ये हमारी वुड ऐश है, उसको मैं टाइम टाइम पे खाद के तौर पे दूंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सॉयल में आप बनाना चाहें तो आप डाल सकते हैं, सॉफ्ट बनेगी आपकी सॉयल। और आप अगर कोकोपीट डालते हैं तब भी बेस्ट है, अगर आप लकड़ी का बुरादा और जो भी आपके पास विकल्प हों तो वो आप डाल के अपनी सॉयल को सॉफ्ट कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्सचर को भर लेंगे और फिर मैं आपको लगाना बताती हूँ। आप इस तरह से ये पॉली बैग भर लें, जितने आपको चाहिए, एक दो जितने भी आपके पास उपलब्ध हैं और जितनी आपकी ज़रूरत है। पॉली बैग में आपने ये भरने के बाद आप पानी दे दें, थोड़ा सा आप ये रखें कि पानी आपका होल में से निकलेगा, पर कोई बात नहीं, आप नीचे कोई प्लेट या ट्रे रख दें। तो अब फिर हम उसको, ये प्याज को ग्रो करना देखेंगे कैसे इनकी ग्रोथ होती है। प्याज ने ग्रोथ करनी शुरू कर दी है, आप देखेंगे ये छोटी छोटी फूटना शुरू हो गया, छोटा छोटा प्याज तो ये स्प्राउट होना शुरू हो गया, तुइयें सी निकलनी शुरू हो गई हैं, और अब हमारा प्याज ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको अब हम ओनली वुड ऐश का फर्टिलाइज़र ही देंगे, दो बार या तीन बार जब इसकी पूरी ग्रोथ होगी तब हम पूरा इसको फर्टिलाइज़र वुड ऐश ही देंगे।
और आप टाइम टू टाइम इसको पानी देते रहें। पानी एक टाइम, ज़्यादा गर्मी है आपके यहाँ तो आप दो टाइम भी दे सकते हैं, वरना एक टाइम आप पानी दें। और इसको अच्छी धूप चाहिए, धूप में रखें आप, सर्दी में ये पूरा अच्छी तरह से आपको फल देगा। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी टाइम के साथ, अपडेट के साथ। ये मेरे गार्डन की फर्स्ट फ्लावरिंग है, आप देख रहे हैं गजानिया, कैंडूला और गुलाब। गुलाब की फ्लावरिंग देखो, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। ये अनियन की आप देख रहे हैं 1 मंथ की ग्रोथ है और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। इसके लिए मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी, मैंने काउडंग यूज़ किया है ताकि हमारी लीव्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और घनी बने। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है वुड ऐश। आप हमेशा 15 डेज़ के बाद अपने जो भी आपका पोट है उसमें आप एक चमचे के हिसाब से, चम्मच के हिसाब से, टीस्पून के हिसाब से आप इसमें वुड ऐश डालें। और इसमें गुड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पानी डालते हैं काउडंग का तो उसमें अपने आप ही वुड ऐश नीचे चला जाएगा और हमारे जो प्लांट्स को उनको पोटाश और पोटाशियम मिलेगा और उनकी रूट्स को ग्रोथ मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने प्लांट्स को वुड ऐश दें। आप ये देख रहे हैं मेरी यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और अभी भी सीज़न है। अगर आप बाज़ार से ऐसे रूट्स वाली छोटे प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो अभी भी आप लगा सकते हैं। तो इनका तो सीज़न हर टाइम ही रहता है, आप जब मर्जी लगाएं और अपने घर पे भी प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और प्याज ग्रो करें। जैसे हमारी यहाँ ये पोट में थोड़ी सी जगह थी तो मैंने यहाँ लहसुन लगा दिया। तो अब इसकी लीव्स मैं उतार के अपने सब्ज़ी में गार्निश करने में और चटनी बनाने में यूज़ कर लूँगी। तो ये चीज़ें आप अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाएं। आप देख रहे हैं मैंने जगह जगह पे इनको लहसुन और प्याज मैंने लगाया हुआ है और इनकी लीव्स मैं यूज़ करती रहती हूँ। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।